तो एक गज़ल लिखी थी मैंने कि जिंदगी जीने के तराने बहुत है, तुमसे इश्क करने के बहाने बहुत है। लिखने को तो लिख दूं और भी कहानी हजारों, पर तुम्हारे तो मेरे पास लिखे पहले से ही अफसाने बहुत है। मेरी कहानी पढ़ने वाले तेरे दीवाने हो गए, तो दिक्कत यह भी है क्योंकि तुम्हारे तो पहले से ही दीवाने बहुत है। तुम्हें हम आसानी से भुला दें, दिक्कत है कि फिर यादों में किसको याद करें। वैसे तो याद आने के लिए दोस्त पुराने बहुत है, और हमारे साथ जो इश्क में हुआ है बुरा, बुरा इश्क करने वालों का हाल करेंगे, और बुराई कर कर के इश्क की हमें कपल्स आपस में लड़वाने बहुत है। और सलीका जो तुमने किया इश्क का हमारे साथ, वो तरीका सही नहीं था। हमें तो अब इश्क के तरीके तुम्हारे जैसे लोगों को सिखाने बहुत है। और जिन लोगों ने किया है हमारा भला और बुरा, और जिन लोगों ने किया है हमारा भला और बुरा, तो तुम और एहसान मत करना हम पे, क्योंकि हमें तो पहले से ही लोगों के हिसाब सुखाने बहुत है। और सुना है लोगों का समय आता है, सुना है लोगों का समय आता है, काश इस उगम का दौर आ जाए, क्योंकि हमें इस जमाने में हमारे नाम के सिक्के अभी सलाने बहुत है। एक शायरी लिखी थी मैंने, सबसे पहली यही है कि जिसे पसंद ना करे कोई वो राजा हूँ मैं, जिसे पसंद ना करे कोई वो राजा हूँ मैं, किसी के लिए फ्रूटी तो किसी के लिए माजा हूँ मैं। और दीमक की तरह साट गई तेरे आने की तमन्ना, और एक दीमक की तरह साट गई तेरे आने की तमन्ना, ऐसे ही किसी उजड़े घर का दरवाजा हूँ मैं जिन हालातों से गुजरा हूँ, तुम उन हालातों से निकल पाओगे क्या? मैं एक वक्त पर टूट कर संभला हूँ, तुम मेरी तरह संभल पाओगे क्या? और सुना है आजकल खुद को भगवान और मुझे रावण मानते हो, और सुना है आजकल खुद को भगवान और मुझे रावण मानते हो। माना मैं हूँ रावण, पर तुम मुझे जलाते वक्त दो मिनट के लिए भी श्री राम बन पाओगे क्या? और है कि मैं तो हूँ मित्र, मैं तो हूँ गरीब मित्र सुदामा, तुम उसकी मदद करो, ऐसे मित्र कृष्ण बन पाओगे क्या? और है कि और माना मैं हूँ सलाक मामा शकुनी, पर तुम अपनी बीवी एक दांव में लगा दो, ऐसे युधिष्ठिर बन पाओगे क्या? एक है कि लिखना करेंगे शुरू, तो जो लिखेंगे वो बहुत लिख देंगे, और कितना भी रहो तुम दूर हमसे, तुम्हारे लिए हम वापस आओ लौट लिख देंगे। और हमसे जलने वालों तुम यमराज से कुछ मत पूछना, हम तो हमारी कलम से ही तुम्हारी मौत लिख देंगे। लोगों को लगता होगा आसान, पर शायरी करना भी एक कला है। ये मेरे शायर भाइयों के लिए मैंने लिखा था कि लोगों को लगता होगा आसान, पर शायरी करना भी एक कला है। और कुछ भी बोले दुनिया टालो उनको, समझो वो एक बला है। और आज जो लोग पीठ पीछे कर रहे हैं बुराई तुम्हारी, कुछ ऐसा कर सलो वही लोग बोले कि ये तो कामयाब हो सला है। एक दो मेरी जान मेरे यार होते हैं, एक दो मेरी जान मेरे यार होते हैं, वही मेरा प्यार वही मेरा पूरा संसार होते हैं। और जब भी पाता हूँ मैं किसी भी मुसीबत में खुद को, देखता हूँ आसपास तो दोस्त वही दोस्त यार होते हैं। कि लाखों में एक वो सिर्फ मुझे सुनती थी, लाखों में एक वो सिर्फ मुझे सुनती थी, वो एक लड़की थी जो मेरे सुनहरे ख्वाब बुनती थी। और लोगों से सुना है कि हमारी वाली तो सबसे अलग है, अरे मेरी वाली तो हनी सिंह के भी गाने सुनती थी। शुक्रिया।